नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु ने पूरे बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया है। वही अब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था और उस मामले में बहुत सारे लोगों का नाम आया था, कहीं उसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के भी केस में उन लोगों या दूसरे लोगों का हाथ है कि नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस अभी जांच ही कर रही है और ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या रात में वो टैबलेट खाने से हुआ। क्योंकि जब पुलिस ने छानबीन की और उनके परिवार फैमिली वालों से पूछताछ किया, तब जाके सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने बताया कि रात में उन्हें टैबलेट देकर सुलाया गया था। और कहीं ना कहीं जब उनकी मां सवेरे उन्हें नींद से जगाने पहुंची, तब सिद्धार्थ शुक्ला नींद से जागे ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ शहनाज गिल भी अभी अस्पताल में भर्ती है। जी हां दोस्तों, शहनाज गिल की नाजुक स्थिति हो चुकी है और शहनाज गिल को ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब उनके बीच सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। क्योंकि जब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में शहनाज गिल को पता चला, उस समय शहनाज गिल शॉक्ड ही रह गई और उसी समय शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को कॉल भी लगाया, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से शहनाज गिल को काफी बड़ा सदमा लगा है और बताया जा रहा है कि शहनाज गिल भी अभी अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, जब सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई, उस समय भी शहनाज गिल काफी फूट फूट कर रोई और सिद्धार्थ शुक्ला के जो भी फैमिली मेंबर्स थे, जो भी करीबी थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक से महज 40 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ शुक्ला उन लोगों को अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद वाली बात थी और उनके विदाई के वक्त बहुत सारे बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री भी आए थे, लेकिन उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक से, पहले तो सुशांत सिंह राजपूत उन लोगों को विदा कह चुके थे, उसके बाद अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला उन लोगों से अलविदा हो गए। और कहीं ना कहीं इस सभी मामले को देखते हुए अब मुंबई पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला के मामले की जांच अच्छी तरह से की जाएगी। और जिस तरह से कूपर हॉस्पिटल के रिपोर्ट सामने आए, उसमें बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मृत्यु हुआ है वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अचानक से इतने फिट रहने वाले इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। और इसी सब बात को देखते हुए पुलिस ने ये बात ठान ली कि अब इस मामले की भी जांच की जाएगी और इस मामले में जो भी बड़ा सबूत एविडेंस सामने आएगा, उसके आधार पर इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो गर्लफ्रेंड थी शहनाज गिल, अब उनकी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है और जिस तरह से वो अस्पताल में चिल्ला रही है, वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को ही पुकार रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बड़ी मामला है और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक और चहेते स्टार सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद वाली बात है। लेकिन मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, अब देखने वाली बात है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस मामले में कैसा बड़ा न्यूज आता है और किस तरह का बड़ा रिपोर्ट सामने आता है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल कर सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।